पीएम मोदी ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने काम और जीवन के बारे में कई बातें बताई। ये इंटरव्यू पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा, जिसमें पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर बातचीत की जिनके बारे में लोग कम ही जानते होंगे। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार के साथ खास बातचीत में अपने जीवन से जुड़े सभी अनुभवों को साझा किया और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों का जवाब भी दिया। महंगे वो नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा, और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो एक सही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश में